ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजभवन में 8 मार्च से 9 मार्च तक बसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उद्यान विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान 145 किस्म के फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, एग्जीबिशन लगाया जाएगा। बसंतोत्सव के दौरान राजभवन आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा, जिसमें आम जनता भी राजभवन में जाकर अलग अलग किस्म के फूलों को देख पाएंगे। बसंत उत्सव का यहां पर आयोजन किया जाएगा। जानकारी ये है कि एग्जीबिशन भी लगाया जाएगा, जिसमें कई तरह के फूल होंगे। 5 से 10 साल और 10 से 14 साल के बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है। हमने देखा था कि कोविड के समय में, महामारी के समय में बच्चे बाहर नहीं आ सके और इस प्रकार पेंटिंग वगैरह में हिस्सा नहीं ले सके थे, और अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे प्यारी बात है कि जो पुष्पों के क्षेत्र में वर्टिकल गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक के पुष्पों का अलग से स्टॉल और कंपटीशन किए जा रहे हैं। इसके अंदर में जो हमारे जिस प्रकार से जीबी पंत एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं, हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्थान हैं, वो इसके अंदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें कुछ जूनियर छात्र का सिर मुंडवाया गया है और वो लाइन में लग करके कॉलेज में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको। और कहा यह जा रहा है कि छात्रों को सिर मुंडवाने का आदेश सीनियर छात्रों ने दिया था। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले का खंडन किया है और वहीं इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश अब दे दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इस तरीके का प्रकरण हुआ है रैगिंग का, जिसका कि वीडियो भी वो वायरल हो रहा है। तो इस संबंध में मेरी जो प्राचार्य हैं अरुण जोशी जी, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अब तक किसी के द्वारा कोई शिकायत या ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन फिर भी चूँकि ये वीडियो वायरल हुआ है तो इसकी जाँच कराने के लिए उनसे आग्रह कर दिया गया है। चंपावत से अगली खबर है। चंपावत में एक वकील पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पेशे से वकील एक शख्स ने उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न उसका किया। महिला की शिकायत पर वकील और उसकी सहयोगी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद उसका गर्भपात भी है। इस आधार पर भोपाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी। कॉर्बेट पार्क के कोर जोन में पर्यटन गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की तरफ से एक पत्र भेजा गया, जिसमें कॉर्बेट के कोर जोन में पर्यटन गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा गया है। ढिकाला, झिरना, बिजरानी जोन कोर जोन में शामिल है और ऐसे में कॉर्बेट के कोर जोन में पर्यटन गतिविधियां बंद होने से पर्यटन कारोबार में कमी आनी तय है। एनटीसीए के निर्देश के बाद होटल जिप्सी समेत कॉर्बेट के जुड़े कारोबारी बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर का कहना है कि पर्यटन कारोबारियों के हित को देखते हुए फिलहाल पर्यटन गतिविधियों को पहले की तरह ही रखा गया है। इस बारे में एनटीसीए के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करके फैसला आगे लिया जाएगा।